दोस्तों भारत में 5G की वॉर स्टार्ट हो चुकी है। एक तरफ जियो अपने स्टैंड अलोन 5G के दम पे दोस्तों पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में यहाँ पे राज करना चाहता है, दूसरी तरफ दोस्तों एयरटेल भी किसी से कम नहीं है। एयरटेल का दावा है कि हम सबसे बेहतरीन नेटवर्क दे रहे हैं। एयरटेल नए नए पार्टनर्स दोस्तों अपने 5G के अंदर लेके आ रहा है। कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने बताया था कि यहाँ पे एरिक्सन के साथ, नोकिया के साथ और सैमसंग जैसी कंपनीज के साथ यहाँ पे लॉन्ग टर्म डील यहाँ पे कर रहा है एयरटेल। और अब दोस्तों यहाँ पे कुछ दिनों पहले यहाँ पे इसराइल की कंपनी के साथ भी डील किया, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे एक और नई कंपनी के साथ डील किया है जहाँ पे एयरटेल अपने 5G को पूरे भारत पे एक बड़े लेवल पे यहां पे एक्सपांड कर सकेगा। एवियत दोस्तों जो ग्रुप है इसने दोस्तों ई बैंड मल्टी बैंड सॉल्यूशन की यहां पे डील यहां पे डन की है और दोनों के बीच में यहां पे दोस्तों हुआ 5G रोल आउट के लिए। क्या है दोस्तों डील, उसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से एयरटेल अपने 5G को पूरे भारत में एक्सपांड करेगा, कैसे वो जियो को टक्कर देगा, उसके बारे में बात करेंगे स्टूडियो में। प्लीज बने रहे वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि जियो को टक्कर देने के लिए एयरटेल भी यहाँ पे अलग अलग पार्टनर्स चूज कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है। एयरटेल क्लियर बोल चुका है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर जरूरत पड़ी तो हम स्टैंड अलोन नेटवर्क पे आएंगे और हम डेफिनेटली यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ तक कि दोस्तों वो ओपन रेन टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट कर रहा है, बोले कि आने वाले टाइम के अंदर ओपन रेन टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। और एयरटेल का दावा है कि मैं जियो से अच्छी स्पीड दूंगा और सही रेट पे दूंगा, सस्ता भी देने वाला हूँ। एयरटेल नए नए पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है। कुछ दिनों पहले एरिक्सन के साथ, नोकिया के साथ मल्टी ईयर की डील करी है, सालों साल की लंबी डील करी है जो हार्डवेयर प्रोवाइड करेंगे इसको। उसके साथ साथ इजरायली कंपनी के साथ भी यहाँ पे टाई अप किया, लेकिन आज दोस्तों एवियत ग्रुप के साथ यहाँ पे काम करेगी। दोस्तों ये देख सकते हैं एवियत बैग्स ई बैंड मल्टी बैंड सॉल्यूशन डील्स फ्रॉम एयरटेल फॉर 5G रोल आउट। एयरटेल की जो 5G रोल आउट के अंदर दोस्तों यहाँ पे ई बैंड मल्टी बैंड की जो डील है यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा एवियत, इसको ये डील यहाँ पे मिली। बड़ी चीज है दोस्तों ये एवियत नेटवर्क जो है दोस्तों यहाँ पे वायरलेस ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ये वायरलेस ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। ये हैज बैग्ड ई बैंड एंड मल्टी बैंड सॉल्यूशन डील फ्रॉम द भारती एयरटेल, अपग्रेड द लेटेस्ट माइक्रोवेव बैकहॉल नेटवर्क कैपेसिटी। दोस्तों यहाँ पे बैकहॉल कैपेसिटी को यहाँ पे चेंज करेंगे, अपग्रेड करने वाले। एयरटेल विल डिप्लॉय एवियत्स ऑल आउटडोर WTM 4800 ई बैंड एंड मल्टी बैंड सॉल्यूशन। दोस्तों यहाँ करके एवियत का एक खास करके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी WTM 4800 ई बैंड दोस्तों है जो मल्टी बैंड सॉल्यूशन होगा, ये यहाँ पे एयरटेल डिप्लॉय करने वाला है। उसकी कैपेसिटी दोस्तों जो है माइक्रोवेव की बैकहॉल नेटवर्क की यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी उसको बढ़ाने के लिए। और ये ऑस्टिन दोस्तों है टेक्सास हेडक्वार्टर है दोस्तों इस कंपनी का, ये यहाँ पे बता रही कि किस तरह से यहाँ पे एयरटेल ने डील करी। यहाँ पे द सेकंड नंबर दोस्तों भारत की दूसरे नंबर पे आती है एयरटेल। यहाँ पे ड्यूअल चैनल ई बैंड रेडियो ऑगमेंटेड बात करें एग्जिस्टिंग इंस्टॉल माइक्रोवेव नेटवर्क के अंदर दोस्तों यहाँ पे काम कर रहे हैं। ग्रीन फील्ड लिंक सपोर्ट एक्सेलरेट 5G नेटवर्क बिल्ड आउट। दोस्तों जितना 5G नेटवर्क का जो बिल्ड है ना, जल्दी से जल्दी एक्सपांड करने के लिए इसको सबसे मेन टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम आएगी। कुछ दिनों पहले मैंने ही बताया था कि इसराइल बेस्ड दोस्तों सेरेगांव के साथ भी इन्होंने टाई अप किया था, सेरेगांव के साथ टाई अप किया था जहाँ पे मल्टी बैंड रेडियो की डील यहाँ पे की थी। सेम डील दोस्तों यहाँ पे वैसी डील यहाँ पे अब यहाँ पे एयरटेल यहाँ पे कर रहा है किसके साथ, एवियत नेटवर्क के साथ। तो मतलब एयरटेल जो अपने 5G के लिए मल्टी दोस्तों यहाँ पे पार्टनर्स चूज करा, अलग अलग वेंडर्स चूज करा, अच्छा खासा पैसा दे रहा है। पहले 220,000 करोड़ दिए थे यहाँ पे किसको, यहाँ पे एरिक्सन और नोकिया जैसी कंपनी को हार्डवेयर परचेस करने के लिए। फिर उनके साथ बड़ी लॉन्ग टर्म डील करी नेटवर्क हार्डवेयर के लिए। उसके साथ इसराइल की कंपनी के साथ दोस्तों सेरेगांव के साथ काम किया और अब दोस्तों एवियत नेटवर्क के साथ काम कर रहा है जहाँ पे वो बोलते हैं ना कि यहाँ पे बेस्ट डील आपको यहाँ पे देगा, ई बैंड मल्टी बैंड सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा जिससे आने वाले टाइम के अंदर शॉर्ट में आपको 5G की कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, अच्छी स्पीड मिलने वाली है। तो एयरटेल दोस्तों नए नए पार्टनर्स ला रहा है अपने 5G को जल्द से जल्द, क्योंकि एयरटेल का दावा कि दोस्तों में ऑलमोस्ट मार्च 2024 तक यहाँ पे भारत में 5G पूरे भारत में ऑलमोस्ट 5,000 सिटीज तक लेकर आऊंगा, ऑलमोस्ट गांव-गांव तक 5G लेके चला जाऊंगा। तो इसके लिए इसको बड़े बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़े पार्टनर्स चाहिए, जो पार्टनर्स दोस्तों एयरटेल यहाँ पे चूज कर रहा। तो एयरटेल 5G दोस्तों बहुत धूमधाम से यहाँ पे आ रहा, फिलहाल 8 जगह पे लॉन्च हो चुका है। टाइम के अंदर नेक्स्ट फेज में और नए नए सिटीज आने वाले और आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर पूरे भारत में 5G रोल आउट करने के लिए नए नए पार्टनर्स आ रहे। और आज दोस्तों एवियत ग्रुप के साथ टाई अप किया जिससे वो यहाँ पे पूरे भारत में अपने 5G का रोल आउट कर सके। फ्रेंड्स मुझे बताइए आपको क्या लगता है एयरटेल 5G क्या जियो को टक्कर दे सके, एयरटेल 5G में कितना है दम, मुझे बताइए नीचे कमेंट करके। वीडियो का अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगाओ थम्सअप जो देते हैं, आपके भाई का चैनल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद दोस्तों के साथ उन्हें डिफेंस चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे, तो जल्दी से दबा दीजिए। इसके पास दिखेगा घंटी का बटन, उसको भी जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो प्लीज उस घंटी के बटन को जो दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो कर ही देना, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक वॉच, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।